I'm trying my best. और वो जो इलाका आपको दिख रहा है वो मैं एक्चुअली जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। कुमारसेन किधर है? फाइनली हम रोपवे पे चढ़ने के लिए चल दिए हैं और हमारी रोपवे आ भी चुकी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये हमारी रोप खड़ी है और लगता है काफ़ी ज़्यादा भीड़ के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो ये हमारी रोपवे खड़ी हो चुकी है। 6 सीटर है ये, 6 सीटर है, बैठ सकते हैं। मैं थोड़ा और डिले करना चाहता था बट मेरा नंबर ऑलरेडी एक बार आ चुका था और बाकी वीडियोस अपलोड कर रहा था। एडिटिंग बाद में करेंगे क्योंकि मेमोरी फुल हो जाएगा और मैं यहाँ कैमरा लेके आया नहीं हूँ। तो मैं आपको यहाँ रोपवे दिखाता हूँ। ये रोपवे थोड़ी हाइट ज़्यादा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। पूरा शिमला शहर यहाँ से दिखता है, पूरा शिमला शहर आपको दिखेगा। ये रहा शिमला शहर। हम शिमला से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सेक्रेटेरिएट पीछे भी चुका है यार। वो आगे ओल्ड बस स्टैंड है और वहीं से ट्रेन भी जाती है जो कालका तक जाती है। हेलो, ये शिमला शहर पर हम जितना भी ऊपर बढ़ते जा रहे हैं आगे घर उतरे ही मिलते रहेंगे। आप जैसा कि देखिए भले ही ऊपर बढ़ते जा रहे हैं रोपवे से, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन शिमला पीछे और घर। हम जितना भी ऊपर बढ़ते जा रहे हैं घर हमारे अगल बगल से ही इतनी हाइट पे लोग रहते हैं और पहाड़ों में ये नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़ी बात है उसमें। ये अभी जो आपको दिख रहा होगा हाँ, बीच में स्टिकर आ जा रहा है ग्लास का। मैं जाखू मंदिर पहुंच के लाइव करूंगा। मेरे 3 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं तो मैं चाहता हूँ जल्दी से अपलोड हो जाए जाके, ताकि मेरी मेमोरी फुल ना हो। मैं नहीं चाहते हुए मेरा ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाता है ऑलवेज एज यूजुअल। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत शॉर्ट करूँ और 5 पार्ट में ही इस टूर को मैं ख़त्म करूँ, बट मेरी कोशिश पूरी है। देखते हैं। नहीं कोई बात नहीं। ये भाई साहब हमारे साथ हैं। आप लोग कहाँ से? आई एम फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद यूरो हैदराबाद हैदराबाद सॉरी हैदराबाद हैदराबाद है प्रॉपर हैदराबाद। मादापुर 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 यू नो यू आर ये पेरेंट है वरुण वरुण। ये भी हमारे नेटिव इन हैदराबाद और यू स्टे नाउ इन हैदराबाद। నాకు తెలుగు కొంచెం కొంచెం వస్తదా? చాలా లేదా? చాలా లేదు। बट माई स्टडी कम्प्लीटेड इन हैदराबाद है। अच्छा। और मेरा घर भी है वहाँ हैदराबाद में। अच्छा अच्छा। आरकेपुरम सिकंदराबाद। और देखिए क्या गजब की बात है कि हमारे साथी जो मिले ये डाउन साइड जाने वाले लोग जा रहे हैं नीचे, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और ये भी हैदराबाद से हैं। और वरुण सर यहाँ आप घूम रहे हैं, कहाँ जाएंगे? जाखू मंदिर के बाद कहाँ? कुफरी में। कुफरी में स्टे कर रहे हैं। नो वीडियो स्टार्टेड। कितना दिन से? नो मेक वीडियो। कल आया। कल आया। आप कब हैदराबाद वापस आएंगे? और 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद। या बहुत मिस करता हूँ मैं हैदराबाद को और हैदराबाद की बिरयानी को और हैदराबाद की तंदूरी को काफी ज्यादा मिस करता हूँ। एंड नाउ आई एम शोइंग यू हाउ मच अपसाइड वी आर। आप देखिए। तो ये हम रोपवे से धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और वो एक डाउन साइड में जा रहा है, वो केवल नीचे जा रहा है। और ये पूरा शिमला शहर आपको दिख रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ थोड़ा रोपवे का ग्लास ये गंदा है तो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा हो, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। बट ट्राई माई बेस्ट। और वो जो इलाका आपको दिख रहा है वो मैं एक्चुअली जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। कुमारसेन किधर है, और कुमारसेन में मैं रह चुका हूँ ऑलरेडी, और वो आगे उसके आगे का क्या नाम है उस रास्ते का मैं मिस कर रहा हूँ। ये शिमला शहर आपको कैसा दिख रहा है? यकीन मानिए ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखता है, बट जब आप पैदल चढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है चढ़ने में। और मैं वहाँ से आया हूँ, आगे वो उस साइड में कुसुमटी दिख रहा है आपको, इस साइड में जहाँ मैं इशारे कर रहा हूँ कुसुमटी उस साइड में है। और आगे ये रास्ता जो है आगे वाला, वो आगे आपको वहाँ कुमारसेन की तरफ जाएगा, और ये इधर का रास्ता आपको दिल्ली की तरफ ले जाएगा, और कालका होते हुए जाएगा, चंडीगढ़ होते हुए, चंडीगढ़ भी इधर से ही जाएगा। ये शिमला मार्केट, ये कुमारसेन का रास्ता, और ये आपको दिल्ली चंडीगढ़ का रास्ता है। और ये हम बस बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले ही हैं। जी हाँ, बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाइट है, और अगर ये रोपवे नहीं होता तो फिर हम कैसे आते, आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है आने में। मैं सोचा था केबिन में शायद अकेला रहूंगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये केबिन की आप देख सकते हैं। स्पेक्ट्रा महंगा हो गया ना, माल नहीं आ रहा ना भैया। 105 480 kg तक इसका वेट ये बर्दाश्त कर सकता है ये केबिन। और मेरे पिछले वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं। अभी मैं यहाँ से लाइव करूंगा, क्योंकि ये जो टाइम है मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। काफी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आज, और क्योंकि मैं अपना कैमरा छोड़ के आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं रिकॉर्ड करूँ इसे फिर रिकॉर्ड करूँ। ये हमारा गेट खुल गया है, हम आ चुके हैं बाहर। ये ठीक है, ये हमारा केबिन आ चुका है। थोड़ी ठंड है। और ये भाई साहब केबिन चलाते हैं, केबिन ऑपरेटर। क्या नाम है आपका भाई साहब? आशीष। कहाँ से आप? सॉरी, इनको ये पसंद नहीं कि मैं इनका वीडियोस ऊपर डालूं, खैर मैंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि हम ज़बरदस्ती करते नहीं हैं। और ये देखिए यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। तो फाइनली हम जाखू रोपवे से उतर चुके हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं जाखू रोपवे है।